हम सभी के घर में मिल्टन ज़रूर होता है, लेकिन इसका जो कवर है वो रखा रह जाता है, तो इसका उपयोग हम लोग लहठी रखने के लिए करेंगे। ट्रैवल के दौरान ये बहुत ही कम स्पेस लेती है और इसमें लहठी जो है वो बहुत ही सेफ रहता है। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र में आप मेकअप का सामान रख सकते हैं, दवाइयाँ रख सकते हैं और धागा जो होता है मल्टी कलर वो रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग बोतल ले लेंगे और उसे कट कर लेंगे। अब इसे एक बार फिर से हम लोग कट कर लेंगे। जब मैं पार्टी से आती हूँ और मुझे मेकअप उतारना होता है तो मैं एक कंटेनर में अपना ज्वेलरी रखती हूँ, दूसरे में एसिफ्टी पिन रखती हूँ, तीसरे में, तो ऐसे करके मुझे बाद में उसको सहतना नहीं पड़ता है। तो मैं इस तरह से भी इसका उपयोग करती हूँ, इस ऑर्गेनाइज़र का। तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक मिठाई का डब्बा ले लेंगे और उसमें फेविकॉल जो है वो लगा देंगे और इसके ऊपर जो हमने अभी प्लास्टिक का जो बोतल है वो कट किया है उसको चिपका देंगे और हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है वो बन करके एकदम ही कंप्लीट है। तो इस तरीके से आप घर में ही वेस्ट चीज़ों से एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब ठीक इसी तरह मैं एक दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी बनाऊँगी। तो आप सभी चॉकलेट ज़रूर खाते होंगे, तो इसका जो डब्बा है उसको फेंकेंगे नहीं, बल्कि उसका जो ऊपर वाला लेयर है वो हटा देंगे और इसको हम लोग इसमें फेविकॉल की सहायता से चिपका देंगे और ये हमारा फिर से एक नया ऑर्गेनाइज़र बन करके कंप्लीट है। और ठीक ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने बोतल को कट करके ऑर्गेनाइज़र बनाया है और इसमें आप लोग कलम जो है कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये स्विच जो आता है उसका डब्बा है, इसको मैं फेंकूँगी नहीं। इसमें भी मैं जो धागा होता है उसमें पहले तो एक प्लास्टिक का धागा लपेट दूंगी रबड़, और उसके बाद इस तरीके से रखेंगे जिससे कि आप एक भी धागा निकालेंगे तो वो गिरेगा नहीं। नेक्स्ट अब हम लोग एक जो पेन होता है वो ले लेंगे। आपको इस तरीके का जो पेन का डब्बा है वो लेना है और उसमें जो भी सुई आता होता है सारा सुई जो है उसके अंदर हम लोग भर देंगे और इसको हम लोग बंद कर देंगे। और जब हमें सुई निकालना होगा तो हम बहुत ही आसानी से इसमें से सुई निकाल भी सकते हैं। अगर आपको ये सारे टिप्स यूजफुल लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि मैं ऐसे वीडियो और आप लोग से शेयर कर पाऊँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी झाड़ू जो है उसे बहारते हैं तो हमारा हाथ जो है वो रेड रेड हो जाता है और झाड़ू जो है वो टिकता भी नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग एक बोतल जो है उसको कट कर लेंगे और उसमें बोतल का जो भाग होता है उसको पहना देंगे। आप अब हम लोग एक दिए की सहायता से इसको अच्छे से इसमें चिपका देंगे झाड़ू में। इससे क्या होगा कि जब आप बहारेंगे घर तो आपके हाथ में रैशेज भी नहीं होंगे, आपका हाथ लाल भी नहीं पड़ेगा और जो झाड़ू है वो बहुत ही लंबे समय तक टिकेगा। आप इसके सेंटर में बीच में दो होल भी कर सकते हैं और उसमें धागा लगा करके इस झाड़ू को लटका करके भी हैंग ऑन करके भी रख सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारा झोला और मैक्सी ड्रेस होता है, उसको हम लोग फेंकेंगे नहीं, उसका उपयोग हम लोग कवर करने के लिए कर लेंगे। तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। अब हम लोग एक टॉवेल ले लेंगे, उसको ठीक इसी तरीके से आपको लपेट देना है, लपेट करके राउंड जलेबी की तरह घुमा लेना है और एक दुपट्टा को दो तह में मोड़ना है और बीच में आपको रबर लगा करके दुपट्टा को उल्टा लेना है, पलट करके दुपट्टा को उसके ऊपर में आपको ये पिल्लो जो जलेबी की जैसे बनाया था उसके ऊपर रख देना है और धीरे धीरे करके चारों ही ओर से इसको आपको लेना है और इसको नीचे की तरफ से ले करके ऊपर की तरफ धकेलना है। अब देख रहे हो मैंने अंदर की तरफ कर दिया है और इसको ऊपर से निकालना है आपको। अब इसके ऊपर में जो मैंने रबर बांधा था वो रबर को खोल करके वापस से नीचे वाला को इसके साथ मिला करके और फिर से रबर को जहाँ पे बांधा था वहाँ पर फिर से बांध देंगे रबर जो शुरू में हमने रबर को बांधा था, ठीक उसी जगह पर रबर को बांधना है। लेकिन पहले खोल करके नीचे वाला जो गिड्ढा है उसको भी इसके अंदर में नीचे से ऊपर की तरफ ले करके तब बांधना है और हमारा जो कुशन है वो बन करके एकदम ही कंप्लीट है। आप इसका उपयोग पिल्लो के रूप में भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ये मिल्टन का कवर है उसमें आप छाता जो है वो रख करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में इसको हैंग करके ले जाने में काफ़ी अच्छा रहता है। अब हम लोग एक ऑर्गेनाइज़र ले लेंगे इस तरीके का और उसमें जो ढेर सारा लहठी है वो डाल देंगे और उसमें आप दुपट्टा जो है वो हैंग करके रख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप बहुत सारा दुपट्टा रख सकते हैं। अब जो पर्दा में लगाने वाला हुक होता है वो हम लोग इसके अंदर में डाल देंगे, इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर में, और इसे अंदर से इस तरीके से लॉक कर लेंगे। और इसमें आप ढेर सारा जो सामान होता है छोटे छोटे वो हैंग करके रख सकते हैं।
ये ऑर्गेनाइजर मैंने फ्लिपकार्ट परचेज किया है। इसमें आप एक ही जगह बेलना, चकला, तावा, चुट्टा एक ही साथ रख सकते हैं और रोटी बनाने के जस्ट बाद में इसमें रख देती हूँ। जब बेसिन खाली होता है तब फिर मैं उसको मज करके वापस इसी में रख देती हूँ। तो आप इसे खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक्स के डिब्बे को काट दिया है, कट कर दिया है। आप इसे कलर भी कर सकते हैं और इस तरीके से किचन में उपयोग कर सकते हैं। हम सभी के घर में इस तरीके का झोला ज़रूर होता है, तो इसे हम लोग साइड से, सेंटर से, बीच से कट कर लेंगे और ऊपर से भी हल्का हल्का कट लगा देंगे। और अब आप इससे सिलाई कर सकते हैं, दोनों इसका कोर को या उसको चिपका सकते हैं। और इसमें बहुत सारा कपड़ा जो है वो आप इस तरीके से रख करके और इसको लटका करके अलमीरा में या कहीं पर भी आप रख सकते हैं। जब हम लोग बाहर जा रहे होते हैं तो हम लोग को टेंशन होता है कि पेड़ में पानी कैसे डालेंगे, तो आप इस तरीके से बर्फ़ जो है उसको जमा करके एक डब्बे के अंदर और उसमें थोड़ा सा छेद आ करके इस तरीके से आप रख दें। तो आप डब्बे के अंदर में बर्फ़ जमा करके इस तरीके से रखिएगा तो पेड़ को बहुत ही लंबे समय तक जो पानी है वो मिलता रहेगा। और या तो आप जो धूप ज़्यादा है तो आप एक कपड़े को भिंगो करके और कपड़े के ऊपर उसको झाँप करके रख सकते हैं, उससे आपका पत्ता हरा बना रहेगा। एक्स्ट्रा पिलो बनाने के लिए हम लोग दो झोला ले लेंगे और कोई सा भी जो कपड़ा होता है उसको उसके अंदर डाल देंगे और ठीक इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। और इसको अब हम लोग कुशन का जो कवर होता है उसके अंदर डाल देना है, या पिलो का जो कवर है उसके अंदर में आपको इसके अंदर इसको इस तरीके से डाल देना है। और हमारा इंस्टेंट जो है वो पिल्लो बन करके तैयार है। और आपके घर कोई भी गेस्ट आता है तो आप उसे पिल्लो के रूप में इसे दे सकते हैं या कुशन के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसे साफ़ करने के लिए हम लोग ब्लू हार्पिक जो होता है न्यू वाला, जिसे बाथरूम में यूज नहीं कभी किया गया है, वो ले लेंगे और उसको डाल करके उसको अच्छे से रगड़ लेंगे और तुरंत ही आपका जो चूल्हा है वो एकदम ही नया हो जाएगा। अगर आपके घर में बहुत ही पुराना मोजा रखा हुआ है तो आप उसे अपने हाथ में पहन ले और आप इसे थोड़ा सा भिंगो ले और इससे आप दरवाज़ा, खिड़की या कुछ भी जो है वो अपने हाथ से ही साफ़ कर सकते हैं। पुराना पिलो कवर का इस्तेमाल आप मिक्सी ढकने के लिए कर सकते हैं। आप इसमें जो जाड़े का ब्लैंकेट होता है वो स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारा कपड़ा स्टोर करके रख सकते हैं, आपका जो नया साड़ी है भी वो स्टोर करके रख सकते हैं।